ये आगरा का स्वास्थ्य विभाग है प्लस में शहरी स्वास्थ्य परियोजना, ये दोनों मिलकर आज एक ये बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक का मुद्दा ये है कि जो परिवार नियोजन का कार्य शहर आगरा शहर में चल रहा है उसमें और हम क्या बेहतरी कर सकते हैं। जो परिवार नियोजन की सुविधाएं जितने भी अस्पतालों में, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, जहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, उनकी और बेहतरी के लिए ये आज बैठक की जा रही है। UHI की तरफ से कुछ फ्रेंचाइजी हॉस्पिटल्स हैं UHI के, जहाँ पे ये सुविधाएं परिवार नियोजन की दी जाती हैं। और वहाँ पे क्वालिटी, जिसको हम गुणवत्ता का बहुत ख्याल रखा जाता है कि जो भी परिवार नियोजन अपनाना चाहता है उसको पूरी काउंसलिंग वहाँ की जाती है। इसके अलावा उनको जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसमें क्या मतलब खामियाँ होती हैं, यह सब उसके बारे में भी उनको बताया जाता है। या परिवार नियोजन की सुविधा लेने के बाद जो कुछ छोटी मोटी परेशानियां होती हैं, जो कि जिसमें इंसान का शरीर ढलता है, उसके बारे में भी उनको बताया जाता है, ताकि वो ये ना समझें कि जो उन्होंने साधन अपनाया है उससे उसे परेशानी हो रही है। अगर उसे कोई परेशानी होती है तो फिर वो सारी चीज़ों का निपटारा अस्पतालों में किया जाता है। इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा की हैं, और इसके अलावा AD हेल्थ आगरा और SN मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं, और शहरी स्वास्थ्य योजना के कुछ कार्यकर्ता हैं, उसमें उनकी स्टेट डायरेक्टर डॉक्टर मीनाक्षी जैन भी हैं, और डॉक्टर सुनीता भागिया जो कि आगरा में हेल्थ फैसिलिटी का काम देख रही हैं वो हैं, और इसके अलावा कुछ और सरकारी अधिकारी भी इसमें भाग ले रहे हैं।